नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सड़क का किया लोकार्पण। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज विधानसभा गोकुल नगर में पहुंचकर रोड का लोकार्पण किया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ये रोड काफी लंबे समय से क्षेत्र की जनता परेशान थी, जिससे स्कूली छात्रों और ग्रामवासियों को सड़क न होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों की मांग पर 72 लाख की डामर रोड का आज लोकार्पण किया गया है, जिसका निर्माण 12 माह में होना था, मगर पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसको 6 महीने में ही तैयार कर दिया। पीडब्ल्यूडी विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। सितारगंज संवाददाता बिट्टू मोहल्ले के सभी लोगों को, एक बहुत पुरानी इनकी डिमांड थी, लगभग जहाँ तक मुझे संज्ञान में है कि 40-45 साल से ये रोड की डिमांड कर रहे थे। रोड नहीं थी, लोगों को बहुत समस्या होती थी, बारिश में निकलना दुश्वार हो जाता था, यहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, और ये रोड आज बनकर तैयार है, उसी का आज हमने उद्घाटन किया है। मैंने अपने पिछले चुनाव में जो 2022 का चुनाव हुआ, उसमें वादा किया था कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद ये रोड का निर्माण कराया जाएगा, और आज वो चुनावी वादा पूरा होगा। प्रधान जी का धन्यवाद करूँगा, लगातार संघर्ष करती हैं यहाँ के लोगों के लिए, लगातार समस्याएं उठाती हैं यहाँ के लोगों की। और सबसे अच्छी बात यह है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी बधाई दूंगा कि 12 महीने में इस रोड का अनुबंध हुआ था कि 12 महीने में ये रोड कंप्लीट होनी है, लेकिन जन समस्याएं को देखते हुए और बारिश का समय है तो 6 महीने में इस रोड को पूरा किया गया है। तो मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी बहुत बधाई देता हूँ।